नमस्कार सभी को। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो है नकलिंग इन काफ, ये जो है नवजात बछड़े में संकुचित या छोटे टेंडन हो जाते हैं, जो कि कॉडली जो है फेटलाक ज्वाइंट जो है बेंड हो जाती है, तो इसे नकलिंग कहते हैं। संकुचित या छोटे टेंडन का नाम जो है फ्लेक्सर टेंडन है, जो कि संकुचित या छोटा हो जाता है। यह स्थिति प्रायः है आगे के पैरों में फेटलाक संधि या पेस्टर्न संधि पर देखने को मिलती है, और पिछले पैर में बहुत ही रेयर या बहुत कम देखने को मिलता है। डिस्टल फ्लेक्सर टेंडन संकुचित या छोटा जन्म से होता है, और यह दूसरी जन्मजात विकृति से जुड़ी हुई समस्या होती है, जैसे कि क्लेफ्ट प्लेट और आर्थो गाइपोसिस होती है, और कुछ केसों में जन्म के बाद भी पाई जाती है, जैसे कि चोट लगने के कारण इसमें बेंड हो जाता है फेटलाक ज्वाइंट, तो ये भी देखने को मिलता है। उसके क्लिनिकल साइन सीबीआरटी के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, इन केस ऑफ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडवांस केसेज, इन केस ऑफ सीवियर केसेज। तो कम मात्रा में जब नकलिंग के कारण नकलिंग होती है, तो ये क्या जो फेटलाक ज्वाइंट होती है वो ज़मीन से टच नहीं होती है, और इसको जो है स्प्लिन के द्वारा टाइटली कॉडली बांधते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है ये सही रखने लगती है, और बिना सर्जरी के इसको ठीक किया जा सकता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को। लेकिन एडवांस और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन को हम जो है बिना सर्जरी के नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन या टेंडन छोटा हो जाता है, और इसमें जो फेटलाक ज्वाइंट की डार्सल सरफेस जो होती है वो ज़मीन में टच होते हुए चलती है, और इसके ज़्यादा चलने से स्किन घिस जाती है, तो उससे संधि जो फेटलाक संधि होती है ओपन हो जाती है, और कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है, और इससे जो है फेटलाक ज्वाइंट में इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। तो गांव में ये देखा जाता है कि वहाँ पे वो कपड़े बांध देते हैं या कोई हार्ड चीज़ बांध देते हैं ताकि स्किन ना कटे, तो लेकिन ये कोई परमानेंट तो इलाज है नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, तो हम इसका जो है एकमात्र उपचार है आपको सर्जरी करना, और सर्जरी के द्वारा हम इसके जो फ्लेक्सर टेंडन होता है उसको हम कट कर देते हैं, तो और उसके बाद जो है स्प्लिंट अप टू द नी ज्वाइंट या उससे ऊपर तक हम स्प्लिंट बांधते हैं, और हुप के थोड़ा सा ऊपर से ताकि हुप वो रखे, और पैडिंग कॉडली फेटलाक ज्वाइंट पे बहुत ज़्यादा पैडिंग करते हैं, पैडिंग करने के बाद ताकि वो कुशन का काम करे, और इस तरह से मैनेजमेंट भी करते हैं। तो कुल दो सर्जरी और मैनेजमेंट के द्वारा इसको जो है हम बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। तो अब हम माइल्ड केसेस में उपचार की आवश्यकता जो है होती नहीं है बहुत ज़्यादा, प्रतिदिन चलने से नकलिंग में सुधार होता है, उसमें हम पैडिंग और स्प्लिंट टाइटली बांधते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ये देखिए बराबर बेंड करके आगे के दोनों पैर बाइलेटरल इसमें जो है नकलिंग देखने को मिल रही है, ये चलता है तो पूरा जैसे इसका डार्फिल सरफेस जो है ज़मीन पे टच हो रहा है, और अगर ये लंबे समय तक ऐसे चलता रहे तो इसकी स्किन भी घिसने की संभावना रहती है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। हम इसमें बराबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, और ये चलने में असमर्थ होता है, लेकिन चलता रहता है, क्या करें जो है। तो इसलिए हम इस हिसाब से इसको जो है करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं लिम्ब को वेल पैडेड तो हमने बता ही दिया है, और इसको जो है स्प्लिंट को हम फाइव टू सेवन डेज में इसको हटाते हैं या खोल के देखते हैं कि कितना टेंडन स्ट्रेच हुआ है,
अगर प्रॉपरली हुप को नहीं रख पा रहा है, खुर को नहीं रख पा रहा है, तो हम पुनः 5 से 7 दिन के लिए बांध देते हैं। और इसमें जो है प्रेशर एंड ओडीमा और स्प्लिंट को भी चेक करते हैं कि जो हमने टाइटली बांधा था उससे कहीं प्रेशर के कारण इसमें ओडीमा तो नहीं डेवलप हुआ है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को हमको खोल के देखते रहना पड़ता है और देखते हैं। तो इस वजह से इसको जो है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो ये क्योर कर सकते हैं। और सीवियर केसेस में एकमात्र उपचार है कि हम फ्लेक्सर टेंडन को कट करें और उसके बाद जो है हम इसको जो है सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और एक केस और होता है जेड टीनोटामी, हम टेंडन को काटते हैं जेड शेप में और टेंडन को हम बड़ा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हमारे चैनल को।